1950, 60 और 70 के दशक में जर्सी आइलैंड पर रहने वाले कई लोगों पर एक मिस्टीरियस आदमी ने हमला किया, जिसे लोगों ने बीस्ट ऑफ जर्सी की संज्ञा दी। बीस्ट ऑफ जर्सी ने इतने घिनौने अपराध किए कि जर्सी आइलैंड पर रहने वाले लोगों के दिलों में इसका खौफ बैठ गया। जर्सी आइलैंड यूके और फ्रांस के बीच में स्थित बाकी आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है। इस घटना के समय वहां 50 से 70 हजार लोग रहते थे। नवंबर 1957 में एक औरत रात में बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। वो औरत पेशे से नर्स थी। वो वहां खड़ी थी, पर तभी किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उस हमलावर ने उसकी गर्दन पर रस्सी बांधी और उसे घसीटकर बस स्टॉप से जंगल में ले गया। उसके बाद उस हमलावर ने उस नर्स को पीटा और उसके साथ जबरदस्ती की। ये घिनौना अपराध करने के बाद वो वहां से भाग गया। वो औरत काफी बुरी तरीके से जख्मी थी, पर फिर भी किसी तरीके से वहां से वो घर गई और फिर पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाई। पर उस हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस के पास ज्यादा एविडेंसेस नहीं थे, क्योंकि उसने हमले के वक्त अपना चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। उस औरत ने पुलिस को बताया कि अटैकर का काफी स्ट्रेंज आयरिश एक्सेंट था। अगले साल मार्च 1958 में फिर से एक औरत पर हमला हुआ। वो औरत बस स्टॉप से अपने घर पैदल जा रही थी। एक आदमी ने उसकी गर्दन को रस्सी से बांधा और उसे घसीट कर जंगल ले गया। इस औरत के साथ भी वही हुआ जो उस नर्स के साथ हुआ था। फिर कुछ महीने बाद जुलाई 1958 में एक और औरत पर हमला हुआ, जो कि बस स्टॉप से अपने घर जा रही थी। इस हमले का भी सेम पैटर्न था। एक रस्सी औरत के गर्दन में बांधी गई और फिर घसीट कर जंगल ले जाया गया। इतने कम समय में तीन हमले होने की वजह से आइलैंड के लोग काफी चिंतित थे। तभी अगस्त 1959 में एक और औरत पर हमला हुआ, पर उस औरत ने फाइट बैक किया और हमलावर भाग गया। पुलिस को ये समझ आ गया था कि ये चारों अटैक्स लिंक्ड हैं। सर्वाइवर्स ने बताया कि हमलावर की उम्र करीब 40 साल की होगी। उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आती है, साथ ही उसका फेक आयरिश एक्सेंट है। पुलिस को क्राइम सीन से खाली सिगरेट के पैकेट्स और रस्सी मिली। इसी बीच बीस्ट को लगा कि उसे कुछ और मेथड्स अपने अटैक्स में शामिल करना चाहिए। पहले तो वो औरतों पर, जो कि रात में अकेले जा रही होती थी, उन्हीं पर अटैक करता था। लेकिन 1960 के बाद हमलावर घरों में घुसकर भी ये क्राइम करने लग गया। 14 फरवरी 1960 को 12 साल का एक बच्चा अपने रूम में सो रहा था। तभी उसकी नींद खुली, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई टॉर्च जला रहा था। उसके बेड के पास जर्सी का बीस्ट खड़ा था। फिर उस बीस्ट ने उस लड़के के गले में रस्सी बांधी और उसे जंगल ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद वो उस बच्चे को वापस उसके घर ले आया और वहां से भाग गया। पुलिस इंस्पेक्शन में पता चला कि बीस्ट घर की खिड़की से अंदर घुसा था। फिर मार्च 1960 में एक 25 साल की लड़की बस स्टॉप से घर जा रही थी। तभी एक आदमी कार से आया और उसे लिफ्ट ऑफर की। उसने बोला कि वो अपनी वाइफ को पिकअप करने जा रहा है और वो औरत कार में बैठ गई। कार में बैठते ही उस आदमी ने उस लड़की को पीटा और फिर जंगल ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बाद उसने दोबारा उस औरत को कार में डाला और ड्राइव करने लग गया। लेकिन किसी तरीके से वो औरत कार से निकलने में कामयाब हो गई और उसने काफी जोर से हेल्प के लिए चिल्लाया और वो आदमी वहां से भाग गया। वो आदमी भी जर्सी का बीस्ट ही था। इस घटना के कुछ दिनों बाद बीस्ट ने फिर से हमला किया। एक 43 साल की औरत अपनी 14 साल की बच्ची के साथ घर में थी। वो दोनों आइलैंड के काफी सुनसान इलाके में रहते थे। रात में उनके घर के लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। जब औरत ने फोन को रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। तब औरत ने फोन रखा और अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद उसे कुछ शोर सुनाई दिया, साथ ही घर की बिजली भी चली गई थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन करना चाहा, पर फोन की लाइंस भी काट दी गई थी। जर्सी का बीस्ट अब उसके घर में था। बीस्ट ने उस औरत को पकड़ा और घसीट कर ले जाने लग गया, पर वो औरत अपने आप को बचाने में कामयाब हो गई और भागकर पड़ोसियों से मदद लेने के लिए गई। और जैसे ही वो घर से बाहर गई, बीस्ट उस औरत की 14 साल की बच्ची के रूम में गया और उसके साथ जबरदस्ती की। इस क्राइम के बाद बीस्ट ने एक तरीके का मास्क पहनना शुरू कर दिया। एक 14 साल की बच्ची अपनी नींद से उठी, क्योंकि उसे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। उठने पर उसने देखा कि उसके बेड के पास एक आदमी मास्क पहने खड़ा है, जो कि जर्सी का बीस्ट था। वो बच्ची डर के कारण खूब तेज से चिल्लाई और बीस्ट वहां से भाग गया। इसके बाद बीस्ट ने इसी मेथड से काफी अटैक्स किए।
जुलाई 1960 से अप्रैल 1961 तक बीच ने 4 बच्चों पर अटैक किया, जिनकी एज 4 से 12 साल के बीच थी। इन सारे बच्चों पर घर में ही अटैक हुआ था और फिर जंगल ले जाया गया था। 3 साल के इतने घिनौने अपराधों के बाद पुलिस ने स्कॉटलैंड से मदद मांगी ताकि ये केस सॉल्व हो सके। तब जैक मैनिंग नाम का एक डिटेक्टिव इस केस के लिए असाइन किया गया। पुलिस ने आइलैंड के हजारों लोगों से पूछताछ की। पुलिस को बीस्ट के बारे में जो जानकारी थी वो ये कि वो लगभग 40 साल का है, उसकी मूछें हैं, वो रेनकोट और हैट पहनता है, उसके पास से एक मस्टी स्मेल आती है, उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है और फेक आयरिश एक्सेंट है, और साथ ही वो मास्क पहनता है। बीस्ट के कई विक्टिम्स ने बताया कि बीस्ट किसी के मर्डर की बात भी करता है। आइलैंड के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया, खासकर रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक के बीच। जैक मैनिंग ने आइलैंड के लोगों को टूल किट भी प्रोवाइड करवाई ताकि वो लोग बीस्ट को पकड़ सकें। इन्वेस्टिगेटर्स ने आइलैंड के हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स की डिमांड की। 13 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने फिंगरप्रिंट्स दे दिए। पुलिस ने इन 13 लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय अल्फोंस नाम के एक आदमी को इन्वेस्टिगेट किया। अल्फोंस रात में आइलैंड के चक्कर लगाता था और साथ ही उसके पास रेनकोट भी था। पुलिस ने अल्फोंस से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस ने अल्फोंस के घर की तलाशी कई बार ली, पर फिर भी उनके हाथ खाली ही थे। तो फिर पुलिस ने अल्फोंस को छोड़ दिया, लेकिन आइलैंड के लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि अल्फोंस ही बीस्ट है, इसलिए उन्होंने उसका घर जला दिया और उसे आइलैंड से निकाल दिया। और फिर अल्फोंस जर्सी आइलैंड से 7 मील दूर एक आइलैंड पर रहने लग गया। इसके 2 साल तक कोई और अटैक्स नहीं हुए, लेकिन अप्रैल 1963 में बीस्ट ने फिर से हमला किया और इस बार उसने 9 साल के एक बच्चे पर हमला किया था। उसी साल नवंबर में बीस्ट ने 11 साल के एक और लड़के पर हमला किया। फिर उसने जल्द ही 10 साल की एक लड़की और 16 साल के एक लड़के के ऊपर भी अटैक किया। उसके बाद 2 साल तक फिर से कोई अटैक्स नहीं हुए, तो पुलिस को लगा कि शायद बीस्ट अब मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। बीस्ट ने पुलिस को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने जुर्म को अंजाम देता हूँ और आप कुछ नहीं कर पाते और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सितंबर में फिर से अटैक करूँगा, एक नहीं बल्कि 2 लोगों पर। मुझे आप लोगों के साथ खेलने में मज़ा आ रहा है। बीस्ट के कहे अनुसार अगस्त 1966 में एक 15 साल की लड़की पर अटैक हुआ। अटैक के दौरान बीस्ट ने उस लड़की से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि एक औरत को मारने में कितना समय लगता है? मात्र 5 मिनट। इस अटैक के बाद हमले फिर से रुक गए, लेकिन अगस्त 1970 में एक 13 साल का बच्चा सो रहा था, पर उसकी नींद खुली क्योंकि कोई उसके चेहरे पर टॉर्च चला रहा था। उस बच्चे को असॉल्ट करने के बाद बीस्ट उसे उसके घर छोड़ गया, पर उसने बच्चे को बोला कि अगर उसने इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो वो उसके पेरेंट्स को मार देगा। बच्चे ने बहुत कोशिश की छुपाने की, लेकिन उसके पेरेंट्स को समझ में आ रहा था कि उनके बेटे के साथ कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है, और उनके पूछने पर उस बच्चे ने सब कुछ बता दिया। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की बीस्ट को पकड़ने की, लेकिन अभी तक वो नाकामयाब ही हो रही थी। तभी एक स्ट्रेंज घटना घटी। 10 जुलाई 1971 को रात में 2 पुलिस ऑफिसर्स अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। वो दोनों गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहे थे, तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में उनके बगल से गुजरी। पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया और पुलिस से बचने के चक्कर में वो गाड़ी क्रैश हो गई। पुलिस ने गाड़ी में से एक आदमी को निकाला, तब उन्हें पता चला कि इस आदमी के पास से अजीब सी मस्टी स्मेल आ रही है, और साथ ही इस आदमी ने रेनकोट भी पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बैंड था जिसमें नाखून निकले हुए थे, उसकी जैकेट में स्पाइक्स लगे हुए थे। पुलिस ने गाड़ी की छानबीन की तो उन्हें फ्लैशलाइट, विग और मास्क मिला। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने जर्सी के बीस्ट को पकड़ा है। जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा था उसका नाम एडवर्ड पैनल था, जिसकी उम्र 46 साल थी। वो जर्सी आइलैंड पर ही पला बढ़ा था, उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी और 2 स्टेप चिल्ड्रंस भी थे। एडवर्ड अपनी पत्नी जोन से उसकी माँ के द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय में मिला था। एडवर्ड वहाँ हेल्पर के रूप में काम करता था। बच्चे उसे काफ़ी पसंद करते थे, वो उनके लिए गिफ्ट्स और मिठाइयाँ भी लाता था, और बच्चे उसे प्यार से अंकल टेड बुलाते थे। एडवर्ड और जोन की शादी के कुछ साल बाद ही उनका रिश्ता इतना अच्छा नहीं रहा। वो दोनों साथ थे पर उनके बीच किसी तरीके की इमोशनल और फिजिकल रिलेशन नहीं थे। पुलिस ने एडवर्ड से काफ़ी सवाल पूछे,
पर एडवर्ड ने जवाब देने से मना कर दिया। पुलिस ने जब उसे बोला कि हमें पता है कि तुम ही जर्सी के बीस्ट हो, तो उसने पुलिस से कहा तो साबित करके दिखाओ। पुलिस ने एडवर्ड की घर की तलाशी ली तो उन्हें एडवर्ड के बेडरूम में से जाता हुआ एक सीक्रेट रूम मिला। उस रूम में पुलिस को कई मास्क, रेनकोट और हैट्स मिले। उसके विक्टिम्स के घरों की तस्वीरें उस रूम की दीवार पर चिपके हुए थे। मतलब एडवर्ड हर एक अटैक से पहले विक्टिम्स के बारे में काफ़ी रिसर्च करता था। उस रूम में एक मस्टी स्मेल भी आ रही थी। इस रूम में पुलिस को कई काले जादू की किताबें भी मिली। वहां दीवार पर एक तलवार भी लटकी थी। पुलिस के अकॉर्डिंग हर एक अटैक से पहले वो एक जानवर की बलि देता था ताकि उसे उसके काम में कामयाबी मिले। एडवर्ड स्मोकिंग नहीं करता था, ना ही उसका एक्सेंट आयरिश था। वो ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए करता था। नवंबर 1971 में ट्रायल शुरू हुआ। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि आइलैंड के केवल 13 लोगों ने पुलिस को फिंगरप्रिंट्स देने से मना किया था और एडवर्ड उन 13 लोगों में शामिल था। अगर पुलिस ने इस दिशा में थोड़ा और एफर्ट डाला होता तो जर्सी के बीस्ट को काफ़ी पहले ही पकड़ा जा सकता था। एडवर्ड आइलैंड का काफ़ी रिस्पेक्टेड निवासी था। वो उसकी वाइफ के अनाथालय में मदद भी करता था। किसी को लगा ही नहीं कि ऐसा आदमी इतनी घिनौनी हरकतें कर सकता है। एडवर्ड को कोर्ट ने 30 साल की जेल की सजा सुनाई। एडवर्ड की वाइफ ने 1972 में द बीस्ट ऑफ जर्सी नाम की एक बुक भी लिखी। उसने ये क्लेम किया कि उसे ये नहीं पता था कि उसका हस्बैंड ही बीस्ट है, लेकिन कई लोगों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अल्फोंस, जिसको आइलैंड के लोगों ने निकाल दिया था, वो 14 साल तक एक छोटे से आइलैंड पर रहा जहाँ ज़्यादातर मछुआरे ही रहते थे। अल्फोंस वहाँ काफ़ी खुश था और अपने आप को उस आइलैंड का राजा समझता था। हालांकि वो बाद में जर्सी वापस आ गया और 2012 में 97 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। वहीं उधर एडवर्ड को उसकी 30 साल की सजा के 20 साल पूरा होने के बाद 1991 में रिहा कर दिया गया और जर्सी वापस जाने के लिए भी अलाउ कर दिया गया, लेकिन जर्सी के लोगों ने उसे वहां रहने नहीं दिया। इसलिए एडवर्ड फिर आइल ऑफ वाइट में रहने चला गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी साल वहीं रहा। सन 1994 में एडवर्ड की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एडवर्ड को केवल 13 विक्टिम्स के टॉर्चर के लिए ही सजा सुनाई गई थी, लेकिन कई लोगों का मानना है कि विक्टिम्स की संख्या इससे ज्यादा रही होगी। सन 2008 में एडवर्ड की वाइफ जोन के द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय में ऑपरेशन रेक्टेंगल नाम का एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। वहां कई बच्चों ने बोला कि उन्हें याद है कि रात में कोई उनके बेड के पास एक मास्क पहने खड़ा रहता था और उन पर अटैक करता था। एक बच्चे ने यह भी बताया कि एडवर्ड बच्चों पर क्लोरोफॉर्म यूज करता था और फिर उन्हें बेड से उठाकर जंगल में ले जाता और अपना घिनौना अपराध करने के बाद बच्चों को वापस बेड पर लेटा देता था। इस ऑपरेशन की 2000 पेजेस की रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश भी की गई, जिसमें ये क्लेम किया गया कि अनाथालय में चल रहे इस अपराध में कई बड़े नेता और हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल थे। हालांकि इस केस के लिए कोई भी टेस्टिफाई कराने के लिए आगे नहीं आया और इसलिए अनाथालय के बच्चों के असॉल्ट का केस बंद हो गया। वहीं 1966 का एक मर्डर केस भी अनसॉल्व रह गया है। टूला हुक एक 20 साल की लड़की थी जो कि 1965 में जर्सी आइलैंड पर पढ़ाई के लिए आई थी, लेकिन उसे आइलैंड इतना पसंद आ गया था कि वो इस आइलैंड पर ही अपना खुद का घर बनाना चाहती थी। 30 दिसंबर 1966 को शाम करीब 7:30 बजे टूला अपने फ्रेंड से मिलने जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कभी अपने फ्रेंड से मिल नहीं पाई। टूला की डेड बॉडी अगले सुबह 31 दिसंबर को मिली। उसके चेहरे और सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। ऐसा माना जाता है कि टूला ने किसी से लिफ्ट ली थी और शायद उस लिफ्ट देने वाले ने ही उसका मर्डर किया था। पुलिस ने माना कि ये मर्डर जर्सी के बीस्ट यानी एडवर्ड ने ही किया होगा, क्योंकि उसने अपने कई विक्टिम से ये बोला था कि उसने किसी का मर्डर किया है, पर यह केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।